जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। सफलता की इसी राह को अपनाते हुए बॉलीवुड इंडस्ट्री के डिस्को डांसर यानी कि मिथुन चक्रवर्ती कामयाबी के सफल मुकाम तक पहुंचे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि फिल्मों में आने से पहले मिथुन चक्रवर्ती क्या किया करते थे? तो आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इसी बात से रूबरू करवाने वाले हैं। अगर आप भी इन बातों को जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री के डिस्को डांसर के लिए हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वो कहते हैं ना कि हर व्यक्ति को अपनी लाइफ में एक ना एक बार कठिन परिस्थितियों का सामना करना ही पड़ता है, और ऐसा ही कुछ हुआ था एक्टर मिथुन चक्रवर्ती के साथ। ये बात उस दौर की थी जब मिथुन चक्रवर्ती अपनी जिंदगी की सबसे क्रिटिकल सिचुएशन फेस कर रहे थे। यहाँ तक कि एक समय ऐसा आ गया था जब मिथुन चक्रवर्ती को एक एक पाई के लिए मोहताज होना पड़ा था। ना तो इनके पास सिर ढकने के लिए छत थी और ना ही खाने के लिए खाना। इन्होंने काम पाने के लिए कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन इनके काले रंग को देखकर इन्हें कोई काम नहीं देता था। इसी दौरान इनकी मुलाकात फिल्म डायरेक्टर दुलाल गुहा से हुई। ये वे दौर था जब डायरेक्टर दुलाल फिल्म दो अनजाने की शूटिंग की तैयारी कर रहे थे। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और रेखा एक साथ अभिनय कर रहे थे। मिथुन की इतनी संघर्षपूर्ण हालात को देखते हुए डायरेक्टर दुलाल ने इन्हें रेखा के स्पॉट बॉय का काम सौंपा, जिसके चलते मिथुन रेखा को रोज होटल लाने और ले जाने का काम किया करते थे, और इसी के चलते इन्हें फिल्म में एक छोटा किरदार निभाने का मौका मिला था। इसी बीच मिथुन सुबह के उगते हुए सूरज की तरह उभर कर सामने आए। आपको बता दें कि मिथुन ने अपने करियर को सिर्फ एक स्पॉट बॉय तक ही सीमित नहीं रखा था, बल्कि इस काम के साथ साथ ये फिल्मों में एक्टिंग के लिए ऑडिशन भी दिया करते थे। और इसी के चलते साल 1976 मिथुन के लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आया, और आखिरकार मिथुन की मेहनत रंग लाई और इन्हें फिल्म मृग्या में काम करने का मौका मिला। ये फिल्म इनके अभिनय करियर की पहली फिल्म थी, और इस फिल्म में इनके शानदार अभिनय की वजह से इन्हें बेस्ट एक्टर नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। इसके बाद इन्हें साल 1978 की फिल्म मेरा रक्षक में पहली बार एज अ लीड एक्टर काम करने का सुनहरा मौका मिला, जिसके बाद इन्होंने कई और फिल्मों में काम किया जिसमें शौकीन, बारूद, जंग और मर्द जैसी हिट फिल्में शामिल है। जहां पहले कभी मिथुन रेखा के स्पॉट बॉय हुआ करते थे, तो वही मिथुन ने अभिनेत्री रेखा के साथ भी कई फिल्मों में बतौर मुख्य अभिनेता काम किया है। तो दोस्तों, इनकी मेहनत की कहानी क्या आपके जीवन को भी जोड़ती है? क्या आपके सामने भी कभी ऐसी परिस्थिति आई है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी दिलचस्प खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।